तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। तो आज का दिनचर्या शुरू करते हैं। तो ऐसे कि ऑलरेडी दिनचर्या शुरू ही हो गई है, तो हम सुबह सुबह उठ करके पेपर दे करके आ गए हैं झांसी के मशहूर बतासे के पास, जो कि 5 अलग अलग प्रकार के वैरायटी के, मतलब ये जो खट्टा मीठा तीखा ऐसे प्रकार के फुल्की जो बनाते हैं, हमारे यहाँ फुल्की कहते हैं, कहीं पानी का बतासा कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं, पर हमारे यहाँ फुल्की कहते हैं। फुल्की 5 प्रकार के पानी, मतलब उसके जो पानी लगते हैं, डलते हैं जो फुल्की में, वो 5 प्रकार के हैं। तो स्पेशल था तो हमने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आ गए, कतार में खड़े हो गए, भैया से कहा हमने लगा दो भैया 2-2 प्लेट। तो हमने भी लगातार यहाँ पे लगा करके देते नहीं हैं, क्योंकि पानी के साथ देते तो वो देते हैं। और इसमें समय मीठा वाला अच्छा लगा और एक खट्टे टाइप का था वो अच्छा लगा। तो कमेंट करके बताइए आपको कौन सा पानी अच्छा लगता है, पानी पूरी का। तो हमने यहाँ से खाया और वहाँ से हमने निकल लिए। और शाम के वक्त हमारी ट्रेन थी, तो हम शाम को भी बैग उठाएं और चल दिए स्टेशन के लिए। तो ये देखिए लखनऊ का स्टेशन, बारिश का माहौल बना हुआ और कितना बेहतरीन दिख रहा था। तब हमारी ट्रेन पूरे 3 घंटे लेट थी। तो हम यहाँ पर कुछ मस्ती वस्ती करते हुए और इधर उधर का शूट करते हुए, और हमने कहा एक बार अच्छा सा व्यू ले लेते हैं अपने चार बाग लखनऊ स्टेशन का। तो हमने एक अच्छा सा टूर लिया और हमें कुछ टिकट को लेकर के कंफर्मेशन करना था, क्योंकि हमने एक टिकट बुक किया था उसमें नाम गलत हो गया, पूरा नाम ही चेंज हो गया। तो हम भी वहाँ से निकल करके आ गए अंदर वेटिंग हॉल में। यहाँ पर तो हमने बहुत जगह से घुमा, तो यहाँ पर अनारक्षित टिकट, मतलब अनरिजर्व टिकट होता है, और हमें रिजर्वेशन कराना था, उसमें चेंजेस कराने थे। तो हमने पहले तो चार बाग में इधर उधर भटकने के बाद भी हमें कहीं पर पता नहीं चला, तो बाद में पता करने के बाद पता चला कि बहुत दूर है। अभी आप भी देखेंगे शौक हो जाएंगे यार, हम वहाँ से आए यहाँ पर फुल्ली एसी कंडीशन थी, पूरा रूम प्रॉपर बना हुआ था, पूरा व्यवस्थित, ऐसा हमने कहीं पर भी नहीं देखा है अभी तक जहाँ तक। उसके बाहर निकलते ही हमने करवाया, नहीं हुआ, और वहाँ चले आए। बाहर देखने के बाद यहाँ से नज़ारा आप देख पाए होंगे, तब तक रात हो चुकी थी और ट्रेन हमारी आने वाली थी। ऐसा फाइनली हम गुवाहाटी पहुँच चुके हैं, 2 दिन का सफर करने के बाद बाल वाले बहुत खराब हो गए। देख रहे हो भाई, छपरी बेरोजगार नल्ले लड़कों द्वारा ये बनाया जाता है, तो कैसे चलता है? बिल्कुल चलता ही नहीं है। 2 दिन का सफ़र करके आने के बाद हमारा गला वाला बैठ चुका था और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारा कंफर्म टिकट नहीं हो पाया था, तो वेटिंग टिकट लेकर के आने की वजह से। और ये आपको दिख रहा होगा गुवाहाटी का शानदार नज़ारा, जहाँ पे पर्वत ही पहाड़ हैं। और वहाँ से हम चले आए, कुछ टाइम्स लेप्स लिए, कुछ वीडियो बनाए, और हम वहाँ से चले आए सीधा रूम पर। सुबह सुबह हमें ला करके ट्रेन छोड़ दी थी, फिलहाल 2-3 घंटे फिर भी लेट थी, और वहाँ से हम आए और चल दिए नहा धो करके तैयार होकर के कुछ खाने के लिए लेने के लिए मार्केट पर। तो यहाँ पर नहा धो करके बस पीपीटी बना रहे हैं, थोड़ा काम है पीपीटी बना लेते हैं। तो आज का ब्लॉग यहीं करते हैं, क्योंकि हम लखनऊ से यहाँ पर आ गए, अब तो ये ब्लॉग अपलोड होगा कल ही।